चुप हो जाओ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब ऑफर कर रहे हो। ऑफिसर्स लेके जाओ इनको। मैं निकाल देना, मैं निकाल देना, सब फंसा दिया आप लोगों ने मुझे। मैं अच्छा पैसा अपने काम कर रहा था। चलो आप लोगों के चक्कर में, आप मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं इनके साथ नहीं हूं, चलो इनके साथ नहीं हूं सर, मैं इनके साथ पोलो व्यू मार्केट में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की जानिब से एक स्किट मुनाकिद हो रहा है। मुझे भी आपसे हाथ मिला लेना ही चाहिए। उस स्किट का मुद्दा और मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जो जनरल मासेस हैं उनमें टैक्स के हवाले से बेदारी आम की जाए कि टैक्स को किस तरह से अदा करना है और अदा करना कितना जरूरी है। सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है और सजा अलग से, सरकार को आता ही क्या है, यहाँ तो टैक्स, यहाँ तो जुर्माना, खाना बना के ले गया, बातें करवा लो तुझसे। यहाँ पर हमने देखा कि कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट भी, एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट भी मौजूद है और उसके अलावा कई सारे दुकानदार हजरात भी। अभी आपने स्किट देखा, दरअसल स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की जानिब से ही मुनाकिद हुआ आज यहाँ पोलो व्यू मार्केट में। क्या मुद्दा मकसद था इसका, इस हवाले से तफसीलात लेंगे हम स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की कमिश्नर साहबा से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। जो स्किट हमने यहाँ पर देखा, क्या मुद्दा मकसद था इसका? मकसद था एक सिविक कॉन्शियसनेस को लेकर के आना कि टैक्स इनवॉइस सबकी जिम्मेदारी होती है, जो शॉपकीपर्स यहाँ पे हैं उन्हें देना है और जो खरीदारी करते हैं उन्हें लेना है। तो एक तो ये था कि हमारा जो इवेजन होता है, टैक्स इवेजन होता है, उसको रोकना है, ये मैसेज था। तो यहाँ पे जो मैसेज है, क्विट टैक्स इवेजन और क्विट यू नो करप्शन, क्विट पोल्यूशन, वेदर इट्स माइंड पोल्यूशन, वेदर इट्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्यों भाई, हमें यहाँ आना मना है क्या? चलो शुक्रिया। और ठेकेदार साहब, क्या हाल चाल आपके? बस जी, कृपा है ऊपर वाले की। लगता है यहाँ कोई मीटिंग चल रही थी। अरे मलिक साहब भी यहाँ है। अरे हाँ हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। नहीं नहीं सर, ये ऐसे ही आए थे, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अरे सर ये छोड़िए, आप बताइए कुछ चाय पानी वगैरह लेके। अरे नहीं नहीं, चाय वाई कुछ नहीं, गर्मी बहुत है तो थोड़ा पानी मंगवा दो यार। शमो शमो अरे शमो भट्टे को दे गया। अरे अरे गुस्सा क्यों हो रही है आप? हम बुला के लाते हैं ना। ऑफिसर्स लेके आओ उसे। हाँ जी, आप ही ने मुझे कॉल किया था, क्या कह रहे थे आप फोन पे? साहब ये लोग कुछ गैर कानूनी काम करते हैं साहब। साहब ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, बट जहाँ लैंड स्लाइड हुई ना साहब, साहब इन्हीं के बटे थे। आप प्लीज तहकीकात कीजिए साहब, मैंने इन्हें शक नहीं है। कॉन्शियसनेस है आज की तारीख में तो क्विटिंग एनी रॉन्ग थिंग्स। सो टुडे द काइंड ऑफ battle that we all see, that battle is basically the illegal activities. So as you know, tax administrators, so it's our duty to ensure that everybody knows what is legal and what is illegal. Chup ho jao, ek government officer ko bribe offer kar rahe ho. Officers लेके जाओ इनको। मैं निकाल देना, मैं निकाल देना, सब फंसा दिया आप लोगों ने मुझे। मैं अच्छा पैसा अपने काम कर रहा था। चलो आप लोगों के चक्कर में, आप मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं इनके साथ नहीं हूं, चलो इनके साथ नहीं हूं सर, मैं इनके साथ हूं। देयर एक्चुअली आर सब इंस्पेक्टर्स। So we have not hired anybody from outside. It's our own internal team who decided to come out and bring this awareness. कैसे नहीं है? बुरे कामों का अंजाम तो बुरा ही होगा ना? ना कोई सर्वे है, ना कोई सेफ्टी है, ना लोगों की परवाह, ना इस देश की। भाभी हम सब जानते हैं इस आबो हवा पे इसका कितना असर हो रहा है, इस माइनिंग की वजह से और इस ईंट के भट्टों की तो देन है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां हो रही है। वो एक नेशनल एवरेज से ऊपर हमारा जो
ग्रोथ कलेक्शन ऑफ जीएसटी टैक्स रेवेन्यू है विद इन जे एंड के, इट इज़ मोर मच मोर देन नेशनल एवरेज. तो इसमें हमारी पूरी टीम जो है समय समय पे मैसेजिंग लेकर के आती है, बिकॉज वी डू बिलीव दैट वी रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी स्टेक होल्डर. अभी के लिए इतना ही. कैमरा पर्सन अमन फयाज के साथ मैं इकरा आखुन कश्मीर लाइफ.